आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो लास्ट वीडियो में हमने आ, ब्रीफली देखा था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं बस आ, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो ठीक है एन इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अब इसको ना इतने जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है आराम आराम से समझेंगे कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का अगर वह ज़ीरो होता है तो वी कॉल्ड दोज रिएक्शन एज द ज़ीरो रिएक्शन ये पॉइंट क्लियर है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड एज कॉन्सटेंट ट्रेड इसको हम कॉन्सटेंट रेड भी बोलते हैं कॉन्सटेंट ट्रेड प्रोसेस भी बोलते हैं और ज़ीरो ऑर्डर कैनमेटिक्स भी बोलते हैं Kin कैनाटिक्स भी बोलते हैं सॉरी अच्छा अब पहले में हमने ये पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है जीरो होता है दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि इसको हम रेट रिएक्शन भी बोलते हैं और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोलते हैं द रिएक्शन इज सेट टू बी द ज़ीरो ऑर्डर इफ़ द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अब हम लोग ऐसे रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन uh, के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता ठीक है अब मैं आपको सिंपली इस तरीके से समझाती हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल से कि अगर एक रोड है ठीक है और इस रोड से जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं डिफरेंट गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं यहाँ पे आगे ना जो रोड है वो तंग है ठीक है पहले जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वो एक ही रोड से दो दो गाड़ियाँ गुजर रही थी बट यहाँ से एक टाइम में एक ही गाड़ी गुज़र सकती है जब यहाँ से एक टाइम में एक गाड़ी गुजर सकती है इट्स मीन कि पीछे हम जितनी मर्जी ज़्यादा गाड़ियाँ कर दें इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द सिचुएशन फ्रॉम हेयर तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन वैसे ही रहने वाली है तो यहाँ पे भी यही सब कुछ हुआ हमने कहा कि कंसनट्रेशन के तो ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा द रेट ऑफ़ रिएक्शन कांट बी इंक्रीज़ फर्दर दर बाई इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन गाड़ियाँ बढ़ाने से रास्ता खुला नहीं हो रहा था इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा डिपेंड अपन जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट तो इसलिए हम इसको जीरो रिएक्शन कहते हैं इट इज़ द टाइम डिपेंडेंट एंड डिपेंड अपॉन सम अदर फैक्टर्स सॉलिबिलिटी फोटोलाइसिस और हाइड्रोलिस अब एक चीज़ करनी है कि चलो हमारा एक रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा बट वो और बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा और वो फैक्टर्स हमारे पास सॉलिबिलिटी है फोटोलाइसिस है और हाइड्रोलिस है तो उन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करेगा अब इसके बाद हमारे पास इसमें ना कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई है इसमें ये लोग कहते हैं कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोल्स फोटोलिस ऑफ सेफोटिक्जीम आब्जॉर्बेशन ऑफ द सन लाइट एक अमाउंट ऑफ़ द ड्रग इन सोलूशन अंडर गोज़ डिग्रेडेशन विद द पैसेज ऑफ द टाइम तो अभी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर कोई ड्रग है वो सलूशन में है और उसमें हमारे पास डिग्रेडेशन हो रही है तो वो पैसेज ऑफ द टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा इसी तरह हाइडोलिस ऑफ द ड्रग का बताया हुआ है कि सस्पेंशन में या आई वी इन्फ्यूजन में तो ये भी हमारे पास फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर की एग्जाम्पल है रिलीज़ ऑफ़ ड्रग फॉम द कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म ट्रांसजर्मल पैच ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द पॉलीमर्स अब इसमें हमारे पास क्या होती है कि ड्रग रिलीज़ होती है और ये जो है ना वो कंट्रोल्ड रिलीज़ हो रही होती है और हम लोग इसको क्यों कहते हैं कि कंट्रोल्ड रिलीज़ है जैसे पैचेस वगैरह होंगे और उसमें कंट्रोल्ड रिलीज़ है तो वो आप जो मर्ज़ी कर लो ड्रग की कंसनट्रेशन लिमिटेड अमाउंट में ही वहाँ से रिलीज़ होगी विटामिन ए एसीटेट टू एंड हाइड्रस विटामिन ए तो अब ये एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर रहा रिएक्टेंट आप बढ़ा दोगे तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉस इन कलर ऑफ द मल्टी सल्फा प्रोडक्ट अब अपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को Uh, इधर इन्होंने uh, बताया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो तो ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन जीरो है इसकी क्योंकि नहीं डिपेंड कर रहा तो वेन द रिएक्शन वॉज नॉट स्टार्टेड टी ज़ीरो मतलब टाइम जीरो था कंसनट्रेशन कितनी होगी सी इनिशियल या सी ज़ीरो से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसी तरह जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो कंसनट्रेशन सी टी हो जाएगी ई टी टाइम हमारे पास है अब हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे तो डी सी बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू डी ए बाई डी टी ये रेट हम इधर से फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास ए का था देन हमने रेट लॉ इसमें अप्लाई किया तो ये रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसकी पावर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी बोथ रेट रेट लॉ एंड द डिफरेंशियल रेट आर इक्वल एंड कैन बी रिटर्न एज तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको हम रीअरेंज करेंगे तो uh, हमने जब इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास डी सी जो है वो डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है एंड दैट माइनस साइन ऑल्सो गोज इट उसके बाद द डिफरेंशियल फॉर्म अगर हम लोग कहते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है उसको हमने रिमूव करना है तो उसको हम रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे अब ये मैथ के रूल्स होते हैं एंड बींग फॉम डी स्टूडेंट या फिर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बस मैंने इंटीग्रेशन का ये याद रखा हुआ है कि जब भी इंटीग्रेशन आती है तो उसके बाद हमारे पास जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ठीक है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इतना काफ़ी है अब हमने कंसनट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है सी नॉट से सी तो हम अप्लाई करेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ये भी तो बताना है कि इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास क्या थी यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन तो जो है वो क्या कर दिया ख़त्म कर दिया उसकी जो हमने क्या कर दिया सॉरी नेगेटिव uh, नहीं इससे ख़त्म होता है डिफ्रेंस ख़त्म होता है उसके बाद हमने क्या किया कि इधर सी टी और सी नोट आ जाएगा इधर टी और टी नोट हमने इसका क्या कर दिया इधर टाइम था ना तो हमने इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई कर दी जितनी भी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसीशन होती हैं या अपोज़िट इन नेचर तो डिफ्रेंसीेशन जो है वो उसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी तो हमने उसके डिफ्रेंस को क्या कर दिया एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बिकम द पावर ऑफ कन्सनट्रेशन तो जो हमारे पास लिमिट होती है वो पावर बन जाएगी और डिफरेंस को हमने उसे ख़त्म कर दिया तो इंटीग्रेशन जहाँ आती है वहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है तो अब हमारे पास जो कंसनट्रेशन है वो चेंज हो रही है सी नॉट से सी uh, टी तो इक्वेजन सिक्स हमारे पास बन जाएगी सी टी माइनस सी नॉट ठीक है ये वाली इक्वन आ गई हमारे पास और ये हमने उसमें uh, क्या कर दिया था कि चेंज कर दिया था अब सी टी माइनस सी नाट यहाँ पर आ गया और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि इसको लिखने का आप इस तरह भी अरेंज करके लिख सकते हो और इस तरह भी अरेंज करके लिख सकते हो और फिर C नॉट जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट एम जी मिनट होगा ये कंसंट्रेशन है ड्रग की आई थिंक कि हम इसको किसी और पेज पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए आ, समझना आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है